तो हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग एकदम मस्त होंगे। तो आपका भाई कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग सिखाएगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड इस टाइप का फोटो बनाना दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आसान है, तो इस वीडियो को आप पूरा 5 से 10 मिनट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड हम सबसे पहले आपको अपने ओल्ड फोटो को दिखाते हैं। हमारा फोटो कुछ इस टाइप का है, तो मैं इस फोटो को बना के दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस फोटो को आपको ले जाना है लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इस फोटो को अपने लाइटरूम के एप्लीकेशन के अंदर डाल चुका हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों अपने लाइटरूम को ओपन करना है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने अपने लाइटरूम को ओपन किया। एंड ओपन करने के बाद गाइज हमारा फोटो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर गाइज फोटो को ध्यान से देखिएगा, सेम टू सेम फोटो। एंड इस फोटो को दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको जाना है लाइट में, दोस्तों लाइट के ऑप्शन में। एंड क्लियरिटी को आपको सबसे पहले इसको बढ़ाना है, हमको इसको 10 कर देना है। एंड हाईलाइट को क्या करना है कि पूरे -100 कर देना है। एंड शेडो को पूरे 100 कर देना है। एंड वाइट को पूरे 100 कर देना है। एंड ब्लैक को पूरे 100 कर देना है। दोस्तों आपको इतना ध्यान में रखना है इस सेटिंग को। एंड इसको आप थोड़ा सा कम कर सकते हो। तो गाइस इसको मैंने 20 कर दिया। एंड इतना करने के बाद क्या करना है कि आपको जाना है कलर वाले ऑप्शन पे। एंड कलर वाले ऑप्शन पे दोस्तों इन सबको आपको दोस्तों 2 या 4 या कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों ये देख सकते हो मैंने क्या किया। एंड इतना करने के बाद गाइस क्या करना है कि इसको हम दोनों को 2 कर देते हैं। एंड इसके बाद मिक्स पे जाना है। एंड मिक्स पे जाने के बाद दोस्तों आपको फर्स्ट नंबर का आपको 8 करना है। एंड इसको दोस्तों में 8 करना है हमको ये वाला। तो गाइज यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ इतना किया। एंड इतना करने पर दोस्तों आपको सेकेंड वाले में जाना है। एंड सेकेंड वाले में दोस्तों इसको आपको -21 कर देना है। एंड यहाँ पर दोस्तों मैंने इसको -21 कर दिया। एंड इसके बाद दोस्तों इस वाले को आपको क्या करना है कि 45 या 46 के आसपास कर देना है दोस्तों यहाँ पर। एंड इतना करने के बाद गाइज आपको क्या करना है, जाना है 3 नंबर पर। एंड 3 नंबर पर आपको दोस्तों इसको करना है कुछ इतना। दोस्तों इसको मैं 70 कर लेता हूँ। एंड इसके बाद दोस्तों आपको जाना है 4 नंबर वाले पर। तो 4 नंबर वाले पर दोस्तों इसको आपको क्या करना है कि ऐसे माइनस में करना है। एंड माइनस में करने के बाद दोस्तों क्या करना है कि आपको 5 नंबर वाले जाना है इस वाले ऑप्शन में। एंड इसके बाद दोस्तों आपको इसको करना है कुछ इतना पर। एंड इसके बाद दोस्तों क्या करना है कि आपको इसको बढ़ाना है दोस्तों। इसको मैं 72 कर लिया। एंड इसको दोस्तों हमको क्या करना है कि इसको भी मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। एंड इसको मैंने 35 कर लिया। एंड इसके बाद जाना है आपको ये वाले 6 नंबर वाले ऑप्शन पे। तो इसको दोस्तों मैं माइनस में कर लेता हूँ। एंड इसके बाद इसको दोस्तों मैं 50 के आसपास कर लेता हूँ। एंड इसके बाद दोस्तों इस वाले को मैं माइनस में कर देता हूँ। तो गाइज इसके बाद इस वाले को दोस्तों आपको क्या करना है कि छोड़ देना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। एंड इसके बाद दोस्तों इस वाले में आपको ये मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया। एंड इतना करने के बाद गाइज आपको क्या करना है कि जाना डाउन करना है। एंड डाउन करने के बाद दोस्तों इस वाले ऑप्शन पे जाना है। एंड इसको दोस्तों आपको 4 कर देना है। एंड क्लियरिटी को दोस्तों आपको थोड़ा बढ़ाना है 40। एंड इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि इसको आपको दोस्तों थोड़ा सा बढ़ाना है एंड 20 के आसपास। एंड इसके बाद क्या करना है कि आपको फोटो को सेव करना है। तो गाइज इस फोटो को मैंने सेव किया। एंड सेव करने के बाद दोस्तों क्या करना है ध्यान से देखिएगा। दोस्तों हमारा मेन काम होता है कपड़े को चमकाना। एंड वो मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ। तो गाइज यहाँ से हमारा फोटो सेव हो चुका है। तो इसके बाद दोस्तों क्या करना है कि आपको जाना है अपने स्नैपशीट को ओपन करना है। तो यहाँ पर गाइज अपने स्नैप को ओपन किया। एंड ओपन करने के बाद अपने फोटो को सिलेक्ट किया मैंने। सिलेक्ट करने के बाद गाइज क्या करना है कि यहाँ पर आपको टूल्स पे जाना है। इसके बाद दोस्तों आपको सिलेक्टिव पे जाना है। एंड सिलेक्टिव पे जाने के बाद दोस्तों आपको ऐसे कपड़े पर मार्क करना है। एंड इसको आपको थोड़ा सा कम करना है। एंड कंट्रास्ट को आपको हाई करना है। दोस्तों देख सकते हो फोटो कितना ज़्यादा लाजवाब दिख रहा है। एंड इसको भी आपको हाई करना है। एंड इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा हमारा रह चुका है, तो इसको हम सेम टू सेम करते हैं, कंट्रास्ट को हाई एंड सैचुरेशन को हाई। तो इतना गाइज करने के बाद फोटो हमारा पहले से काफ़ी ज़्यादा मस्त दिख रहा है। दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा। एंड अपने पैंट को भी सेम टू सेम करना है उसी टाइप से। कंट्रास्ट को हाई करेंगे एंड सैचुरेशन को हाई करेंगे। तो गाइज यहाँ पर हमारा जो ये
कोट है एंड पैंट है वो काफ़ी ज़्यादा चमकीला हो चुका है, तो उसके बाद दोस्तों हमको इसको छोड़ना है एंड अपने फेस पर ध्यान देना है। तो गाइज यहाँ पर अपने फेस का लाइट बढ़ाना है एंड सिचुएशन को हाई करना है, एंड इसके बाद इस वाले पर भी सेम करना है, बढ़ाना है एंड सिचुएशन को हाई करना है, एंड यहाँ पर भी थोड़ा सा अंधेरा जहाँ जहाँ होगा दोस्तों वहाँ पर आप लाइट को देकर सिचुएशन को हाई कर सकते हो। एंड यहाँ पर गाइस हमारा फेस काफ़ी ज़्यादा मस्त दिख रहा है, एंड यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना है अपने हैंड पर, इसको भी आप हम सेम टू सेम कर लेंगे, एंड यहाँ पर गाइस इसको भी सेम टू सेम कर लेते हैं। एंड इतना करने के बाद गाइस आपको क्या करना है कि यहाँ पर डिटेल्स पे जाना है एंड सरपेनिंग को थोड़ा सा हाई करना है कुछ इतना पर, एंड इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि इस फोटो को करना है सेव। तो यहाँ से दोस्तों मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, इस फोटो को सेव कर लेता हूँ, एंड सेव करने के बाद दोस्तों इस फोटो को हमको क्या करना है कि कटआउट करना है, सॉरी इस फोटो को हम सबसे पहले तो स्मूथ कर लेते हैं एंड उसके बाद हम इस फोटो को कटआउट करेंगे। तो दोस्तों स्मूथ करने के लिए हम इस फोटो को ले चलेंगे ऑटोडेस्क के अंदर, एंड ये वाला फोटो को दोस्तों मैं ऑटोडेस्क में शेयर करता हूँ एंड इसको स्मूथ करता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ से गाइज मैं अपने फोटो को ऑटोडेस्क में शेयर करता हूँ और आपको मैं पेंसिल बताऊँगा कौन सा पेंसिल यूज किया जाता है स्मूथ के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये वाला लाइब्रेरी में जाना है एंड आपको ये वाला पेंसिल यूज करना है, एंड इसका सेटिंग दोस्तों ध्यान से देखिएगा, नीचे वाले को आपको फ्लो को एक करना है एंड स्ट्रेच को आपको एक करना है एंड साइज को आपको जितना चाहे उतना कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पर दोस्तों जूम करना है एंड अपने साइज को थोड़ा सा बढ़ाना है एंड अपने फेस पर ऐसे स्मूथ कर देना है। तो वीडियो को थोड़ा सा करते हैं फास्ट एंड वीडियो को देखते रहिए। आपको जाना है लाइब्रेरी में एंड इसके बाद आपको ये वाला पेंसिल को आपको लेना है एंड यहाँ पर दोस्तों कलर को आपको पूरे लाल कर देना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एंड करना है दोस्तों इसका सेटिंग दोस्तों ध्यान से देखिए, इसको करना है आपको 100 एंड ये वाला आपको यही रहना देना है। एंड इसके बाद करना है जूम अपने फेस पर एंड इसको करना है थोड़ा सा बड़ा दोस्तों 10 के आसपास, उसके बाद अपने ओठों पर ऐसे लगा देना है दोस्तों। दोस्तों इसको अब इसका ऑपेसिटी अब हमको कम करना है ध्यान से देखिएगा, एंड इसके बाद कुछ इस टाइप से करेंगे कम करेंगे, इसके बाद यहाँ पर भी हम लाल कर देंगे अपने ऑटो को एंड इसके बाद दोस्तों इसका ऑपेसिटी हमको कम करना है। तो यहाँ पर जाएंगे एंड इस जो आपने एक कॉपी किया यहाँ पर ऐड किया उसको आपको ऑपेसिटी को उसका कम करना है। तो कम करते दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे ऑटो पर जो लाल है वो कम होता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर हमको कुछ इतना रखना है एंड इतना होने के बाद दोस्तों आपको फोटो को करना है सेव, और सेव करने के बाद क्या करना है कि इस फोटो को हमको करना है कटआउट। तो कटआउट के लिए आपको मैं फोटो रूम के बताऊंगा और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा और फोटो हमारा सेव हो जाएगा। और गाइस यहाँ पर हमारा फोटो सेव हो चुका है, तो इसके बाद हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि अपने फोटो रूम को ओपन करेंगे एंड करेंगे अपने नेट को ओपन एंड फोटो रूम में दोस्तों जाएंगे फोटो रूम एप्लीकेशन में एंड अपने फोटो को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे
और यहाँ पर हमारा फ़ोटो ऊपर में आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ये मेरा फ़ोटो हो गया। यहाँ पर ऑटोमेटिक कटआउट होती है, तो यहाँ पर गाइज ऑटोमेटिक कटआउट होती है, ध्यान से देखिएगा, एकदम मस्त तरीके से कटआउट होता है। ये देखिए दोस्तों, हमारा फ़ोटो कटआउट हो चुका है। तो यहाँ से दोस्तों अपने फ़ोटो को ये वाला सेव करना है, फ़ोटो को यहाँ पर गाइज हमारा फ़ोटो सेव हो चुका है। तो चलते हैं अपने पिकट के अंदर, एंड पिकट में दोस्तों अपने बैकग्राउंड को ऐड करना है। तो बैकग्राउंड में आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे चुका हूँ, तो और यहाँ पर गाइज मेरा बैकग्राउंड मिल चुका है। तो इस बैकग्राउंड को हमको सेलेक्ट करना है, एंड यहाँ पर गाइज अपने फ़ोटो को ऐड करना है। और ये मेरा फ़ोटो हो गया, मैं इस फ़ोटो को यहाँ पर कुछ इस टाइप से ऐड करता हूँ। एंड इसको ऐड करने पर गाइज हमको एक शेडो लगाना है, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे चुका हूँ। तो गाइज इसको हमको कुछ इस टाइप से इतना पर रखना है, एंड इतना करने के बाद गाइज यहाँ पर सेव करना है फ़ोटो को, एंड एक शेडो लगाना है नीचे में। उस शेडो को दोस्तों हमको नीचे में लगाना है अपने पैरों के नीचे। तो गाइज यहाँ पर हमारा शेडो, और ये गाइज ये शेडो को हमको नीचे में लगाना है कुछ इस टाइप से यहाँ पर, एंड इसका डुप्लिकेट करके पैरों के पास भी लगा देना है एक, एंड यहाँ पर भी एक लगा देना है। तो गाइज फोटो हमारा पहले से काफ़ी ज़्यादा मस्त दिख रहा है गाइज। एंड यहाँ पर गाइज हमको एक शेडो लगाना है, बड़ा वाला शेडो। तो उसके लिए हमको स्टिकर पे जाना है, एंड स्टिकर पे जाने के बाद गाइज यहाँ पर सर्च करना है शेडो हमको। तो गाइज यहाँ पर हम शेडो को सर्च करते हैं, एंड शेडो सर्च करने के बाद गाइज यहाँ पर एक शेडो आता है ये वाला, एंड इसको बड़ा करना है, एंड कुछ इस टाइप से नीचे में लगा देना है। एंड गाइज इतना करने के बाद आपको एक यहाँ पर इफेक्ट पे जाना है, एंड इफेक्ट पे जाने के बाद गाइज आपको यहाँ पर जाना है, और इस वाले ऑप्शन पे जाने के बाद गाइज ये वाला आपको सेलेक्ट करना है। तो गाइज ये वाला सेलेक्ट करना है, आपको यहाँ पर मिटाने वाले पे जाना है, एंड इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड आपको सिर्फ अपने कपड़े पर मारना है गाइज कुछ इस टाइप से। तो गाइज यहाँ पर पहले में फर्स्ट में आपको बहुत ज़्यादा ख़राब दिखेगा, तो गाइज इस पर हमको ध्यान नहीं देना है। एंड इसके बाद यहाँ पर दोस्तों एकदम अच्छे से अपने पूरे कपड़े पर है मार देना है इसको। इसके बाद मैं एक ऐसा जादू दिखाऊंगा जो कि आप देखकर हैरान हो जाओगे दोस्तों। इसको मैं एकदम अच्छी तरह से फिट कर दूंगा एंड कम कर दूंगा। तो गाइज उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको अपने पूरे जो शॉट है उस पर आपको ये वाला इफेक्ट यूज करना है, लगा देना है गाइज। एंड लगाने के बाद गाइज एकदम अच्छी तरह से इसको लगा देना है, एंड हाथों को भी ये जो यहाँ पर है इस पर हमको एकदम अच्छे से लगाना है। एंड इसके बाद गाइज आपको क्या करना है कि यहाँ से सही करना है, एंड इस वाले ऑप्शन पे जाना है, एंड इसको आपको थोड़ा सा कम करना है कुछ इतना पर। एंड फोटो हमारा काफ़ी पहले से मस्त दिखने लगा है, एंड इसके बाद इस फोटो को हमको करना है सेव। एंड सेव करने के बाद गाइज आपको जाना है, इस फोटो को शेयर करना है लाइटरूम के एप्लीकेशन के अंदर लाइट एडजस्ट करने के लिए। तो गाइज यहाँ पर गाइज मैं इस फोटो को लाइट एडजस्ट करके दिखाता हूँ लाइटरूम के अंदर। तो यहाँ पर मैंने इस फोटो को लाइटरूम में शेयर किया, एंड आप देख सकते हो यहाँ पर लाइटरूम में शेयर करने के बाद क्या करना है कि आपको डायरेक्टली अपने लाइटरूम को ओपन करना है। एंड यहाँ पर गाइज हमारा फोटो अभी तक नहीं गया लाइटरूम के अंदर, तो यहाँ पर गाइज अपने लाइटरूम को ओपन करते हैं। एंड ओपन करने के बाद गाइज यहाँ पर और गाइज यहाँ पर हम अपने फ़ोटो को लाइटरूम में एडजस्ट करके बताएंगे कलर को। तो उसके लिए आपको इस फोटो को शेयर करना है लाइटरूम के अंदर, एंड लाइटरूम के अंदर शेयर करने के बाद गाइज आपको डायरेक्टली अपने लाइटरूम को ओपन करना है। एंड हमारा फ़ोटो यहाँ पर आ चुका है, आप देख सकते हो है हमारा फ़ोटो यहाँ पर आ चुका है। तो गाइज मैं इस पर आपको एकदम सबसे आसान तरीका बताऊँगा, मैं इसका प्रीसेट बना कर दे रहा हूँ। आप उस प्रीसेट को मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया है पीएनजी वाले स्टॉक में, उस पर आपको डाउनलोड करना है। एंड डाउनलोड करने के बाद आपको उसको लाइटरूम में शेयर करना है, एंड ये मेरा फ़ोटो हो गया, इस यहीं वाला मैंने प्रीसेट को दिया है, वहाँ पर आपको उस प्रीसेट को कॉपी करना है। तो गाइज यहाँ पर उस प्रीसेट को मैंने कॉपी किया, एंड उस प्रीसेट को यहाँ पर दोस्तों अपने फ़ोटो में ऐसे पेस्ट रिसेटिंग कर दिया, एंड पेस्ट रिसेटिंग करने के बाद यहाँ पर गाइज हमारा फ़ोटो पहले से काफ़ी ज़्यादा मस्त बन चुका है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी इस टाइप का फ़ोटो बना सके।